आवे कई जातरी थक दर्शन ने नरना। आप ये कहेंगे भाई भाई दर्शन के लिए कई जातरी आते हैं, लेकिन यह तो पहली बार बना है मंदिर बाबा भोमिया जी महाराज का, यही तो बड़ी काम की बात है। सदनों भोमिया जी महाराज जो हैं वो गांव गांव में, ढाणियों में, शहरों में बड़े बड़े मंदिर हैं इनके, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम करता हूँ ना, इनका बड़े बड़े धाम है। रतन शहर गांव है ये, चढ़ावा ये बगड़ के पास में बहुत बड़ा धाम है, वहां से बड़े बड़े धाम है। तो सदनों ये भी बड़ी खुशी की बात, अपने धनुता ग्राम के अंदर श्री भोमिया जी महाराज का स्थान बना है और बाबा की कृपा हुई है। तो बताए छोटा सा बजा है, नमन करूं मैं आपको श्री भोमिया जी महाराज, दास आपको जान करी रखियो सबा मेला। तो एक तरह जो है ना मैं गा रहा हूं, ये बड़ी पुरानी तर्ज है, पुरानी धुन है, कोई तर्ज में समझे न समझे, धुन में तो समझे इसे, कई धुन में भी कोई न समझे, लेकिन यानी रागनी जो है ये पुरानी है, पुरानी तर्ज है। कौन सी तर्ज है? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये वो तर्ज है, उस तर्ज पर ये भजन बनाया है, अभी बनाया है। अगर कोई त्रुटि हो जाए कोई शब्दों की तो मुझे माफ कर देना। भोमिया जी महाराज आपके, भोमिया जी महाराज आपके महिमा महान है, महिमा महान है, देव में देवा। भोमिया जी महाराज आपके महिमा महान है, महिमा महान है, देव हो दया हो दया।
गंगा आरती जो बज रहा है ना, अपनी जगह पर बहुत बढ़िया बज रहा है, बहुत अच्छा बज रहा है। टीका का मुद्दा का पाबंद है ही, लेकिन नंगाचल साहब में ढोलक बजते है ना, उसमें रिधम अलग बनती है, रिधम बनती है उसमें, उसमें अलग रिधम बनती है, उसमें आनंद आता है। अब यो सूप वाजे है नंगा, लेकिन ये सही बज रहा है अपनी जगह पर बहुत। तो कई तो रिधम में समझ में रिधम कहने घर से कया, ये भगवान साय का चेला, भगवान साय मेरा मित्र आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया अपने जगह पर सही है वो। मैं तो धरू चेला हो गया, का क्यों हो गया, वह सीधी सी राग है, जोर तो आगे कोई नहीं, और हर कोई चेलो बन जाए इसे, क्यों हर कोई चेलो बन जाए भी। तो वो चले गए करीबी में राजपूतों के, तो अब गए थे चिमटोर नंगारो ढोलक को गान गुने, खाली चिमटोर नंगारो और बाजो। अब वो अच्छा, वो अच्छे आदमी थे, बोले रिधम कर, रिधम पर कौन है अभी ऑर्गेनाइज पूछ बड़े, रिधम पर कौन है। अब वो समझो को जा रिधम पर कौन, वो के जाने रिधम ने क्या नहीं है, बोले साहब देखो मैं तो ऑर्गन बजा बोलो सब गा बड़ा सब पूछ ले, वो रिधम वो रिधम को क्या नहीं खेल से, देखो माखन तो कोई देवता से आए बंदा रिधम वालो। हम वो समझ गए यार, ये समझे बंदे रिधम, बोलाओ गाने वाले, बोला जी रिधम पर कौन है। अब वो देखे भाई कोई कोई शास्त्र की बात है यार, बोले जी रिधम पर तो साम माखन तो कोई लेख में तो आए बने, शास्त्र में कोई आई कोई नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ तबले पे कौन है, तबला है ढोले का आपके पास में, नहीं नहीं नंगारा सुना नंगारा तो नहीं नंगारा, तो सदनो नंगार नंगार के साथ ढोल बजते तो आनंद आता है, पूर्ति कर रहे होते नंगार जी तो बताया। बोले जी महाराज आपकी महिमा महान है, गांव गांव में नगर नगर में शहर शहर में आपका गुणगान करते हैं लोग, तो बताया देव हो दयालु खाने पूजता जहान है, पूरा नगर पूरा संसार पूजता है, तो बताया कभी मैं भजन महिमा महान है,
जय महाराज आपकी महिमा महान है। तो सदनों बताया कभी नहीं, भजन के नंबर दूसरे में बताए हैं, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। क्या बताए तुम हो शक्तिशाली करो भक्तों की रखवाली। खुशियों के खान है, खुशियों के खान है, देव हो दयालु हमें जहान है, देव हो दयालु हमें जहान है।
गोमती महाराज आपकी, गोमती महाराज आपकी महिमा महान है, देव हो दयालु आगे बोलता जहां है, देव हो दयालु आगे बोलता जहां। श्रद्धा से ज्यादा हम तुम्हें मनाते हैं, अमृत से बाबा तुम्हें पंचा अमृत से बाबा जोते जलाते दाना, जोते जलाते दाना पूरी ताकत मान है भाई। पकवान चाहे कैसा भी बनाओ लेकिन बाबा के जब भोग लग जाता है वो 36 प्रकार के पकवान हो जाते हैं। लेकिन मैंने सुना है भाई कल दाना दाना पूरी का ही पकवान है, तो बाबा के जब भोग लग जाता है वो 36 प्रकार के भोजन हो जाते हैं, पकवान हो जाते हैं। अभी ये जो राग पारवा ब्रजेश यज्ञ जो भांजा है दानुका का, सदनों भाई अच्छा सम्मान करता है। और अभी कहा था भाई मामा जी का ये छंद मैं गा रहा हूँ, तो मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, सदनों आपकी चरणों की धूल हूँ। तो बताया है ये गाया लेकिन दो ही कड़ी गाई है उस पार वार आग जी की, मैं आपको पूछ दानों तम बनया बाबा भोला जी का स्थान देखो, बड़े बड़े बारी बारी बने मकान देखो, अभी तक तो बने ही तो है बाबा जी का स्थान श्री भोला जी महाराज का। अगर कोई भक्तगण जागेंगे जगाएंगे यही है जगाने वाले, किसी की औकात नहीं है इनका स्थान बना दे, ये इनकी कृपा है जो भाई सदगुरु किसके दिमाग में बैठा है, तो सदनों इनकी कृपा है, ये कोई अभिमान की बात नहीं भाई, मैंने बनाया है, मैं के नाम तो छुरी है तो बताया है। दानों का
देखो मुझे पहचान देखो आधा नो तन बनिया बाबा को मैजी का स्थान देखो बड़े बड़े बारी बारी बने हैं मकान देखो साक्षात खड़े खड़े वो मैजी की शान देखो ये धूमधाम सचन हो रहा सचन की बहार देखो जात दिन आते जाते लाखों नर नार देखो आ पूजा पाठ करते हुए भक्तों की कतार देखो दानों का मैं प्रकट हो के दुनिया में प्रकाश किया स्थान तो जगह जगह पर हैं बड़े बड़े धाम हैं स्थान तो है ही लेकिन बड़े बड़े धाम भी हैं लेकिन यहाँ जो इनका स्थान बना है ये तो एक तरह की प्रकृति हुई है मूर्ति है मान लो आप दान काम सब देवी देवताओं के मंदिर थे इन्हीं का नहीं था लेकिन इनकी कृपा है जी महाराज कौन है भूमि के रक्षक हैं पूरी पृथ्वी के रक्षक हैं ये देव में देव है जैसे भगवान शिव हैं देव में महादेव और महावीर बजरंग बली महावीर कौन है भगवान शिव के अवतार हैं तभी तो उनके भी महा लगा है महाशब्द महावीर और देव में महादेव भगवान शिव वैसे ही मेरे सदमे भूमि के रक्षक हैं श्री भूमि महाराज तो एक बार सब अपने जितने बैठे हैं ना वो भूमि जी महाराज की जय बोलेंगे जैसे जबान शुद्ध होती है आत्मा शुद्ध होती है जय यानी जबान जय यानी जय का नारा बोले श्री भूमि महाराज की देखो बड़े बड़े बारी बारी बने हैं मकान देखो बने ने मकान देखो साक्षात खड़े खड़े वो मैं जितनी शान देखो तुम दाम सचन होता सचन की बहार देखो जात देने आते जाते लाखों नर नार देखो पूजा पाठ करते हुए भक्तों की कतार देखो गांव में प्रकट होके जी दुनिया में प्रकाश किया गांव बीच प्रकट होकर दुनिया में प्रकाश किया अपने भक्त सेवकों के दुश्मनों का नाश किया जो बाबा के भक्त हैं उनका बैरी दुश्मन तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ सकते बताया गांव बीच प्रकट होकर दुनिया में प्रकाश किया अपने भक्त सेवकों के दुश्मनों का नाश किया काट दिया कष्ट जिसने प्रेम से विश्वास किया राजेंद्र राव कहे प्रेम से मनाऊं मैं राजेंद्र राव कहे प्रेम से मनाऊं मैं सुखी बुखी कीजिए बाबा तेरा गुणे गाऊं मैं खेती कर तेरे आनंद बाबा तने मनाऊं मैं आनंद बाबा तने मनाऊं मैं बताया कहते हैं भाई मंदिर तो मैंने बनाया है वो मैं जी थोड़ा बनाया है नहीं अरे इनकी तो कृपा हुई है तभी तो ये मंदिर बना है ये
दिव्य स्थान बना है तब बताया है। बताया है भाई बाबा की कृपा हुई है ये मंदिर बना है। ये तो मैं भी धीरे धीरे ध्यान लगा लिया आज कई दिन में, लेकिन मैं उन्हीं का नाम लूं तो ये गलत है। क्यों? इनकी कृपा हो गई बस्ती पर ही, और ना जान बस्ती के लोग भी क्या क्या करवा देंगे। तो बताया है इसलिए भक्तों का ही नाम लिया जाता है। ये भगत तेरे जागे तू ही जगवाया है, ये भगत तेरे जागे तूने जगवाया है। रावे राजेंद्र नंदू सिंह जी, राजेंद्र नंदू सिंह जी करता गुण गान है, करता गुण गान है। देव हो दयालु तुम तो होता जहान, देव हो दयालु भोम्या जी महाराज आपकी, भोम्या जी महाराज आपकी महिमा महान है।